डॉक्टर साहब वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन थैंक यू आई एम सॉरी जब भी मैं बोलता हूँ मुझे हंसी आती, आती है मैं एक क्वेश्चन तो पूछता नहीं कभी बट आज एक क्वेश्चन पूछूंगा कोशिश करूंगा एक ही पूछूं ठीक है ये क्वेश्चन अगेन ऑन बिहाफ ऑफ सम पेशेंट्स एग्जाम्पल पहले मैं कुछ क्वेश्चन को माउंट कर दूं कहने का मतलब ये है कि सपोज मुझे फीवर हुआ मैं एक डॉक्टर के पास गया उन्होंने दवाई दी मैंने दवाई खाई, मैंने दवाई खाई मेरा फीवर डाउन हो गया हमें यही आदत है ऐसा ही होता है अब बेटी लोगों की बात करते हैं ठीक है क्योंकि शो ही हमने बेटी लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए किया है बेटी लोगों के अंदर में कोई पेशेंट किसी भी जगह पे आप तो आई थिंक यू गो टू फोर्टी टू प्लेस फोर्टी टू जगह हैं आपकी जहाँ आप जाते हैं ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग साउथ या है ना तो अलग अलग पेशेंट से मिलते हैं वहाँ पे लोग मिलते हैं और मैंने नोटिस किया कि आपका

अभी मैं फिलहाल जेंडर में ही ले रख रह रहा हूँ कोई आपसे पेशेंट मिला आपने उन्हें दवाई दी वो दवाई ले रहे हैं वो ठीक होना भी चाहते हैं ले भी लिया है और ये प्रोसेस लंबा है इसका इलाज लंबा चलेगा मतलब अगर छोटा बच्चा है तो थोड़ा मेरे मैंने तो इफेक्ट्स देखे हैं दो दो महीने में लोग ठीक हुए मैंने ये भी देखा है पर मैं कुछ पेशेंट्स को देख रहा हूँ वो तीन तीन साल से आ रहे हैं उनका पेशेंस बरकरार है उनमें इम्प्रूवमेंट है लेकिन स्लोअर है और हर विजिटिंग ओपीडी में आ ही रहे हैं जी अब आया क्वेश्चन ठीक कोई जब आपसे मिल लिया आपने उन्हें एक सेट ऑफ दवाइया दे दी उन्होंने जाके ले ली वो वो खा भी रहे हैं ठीक है और चल रहा है कुछ लोग छह महीने की दवाई ले जाते हैं दवा ले ली तो जब दवा ले ली है आप दो महीने बाद फिर गई तो आप ही के आम, इलाज में एक पिलर जैसा डाइट है एक पिलर फॉलोअप भी है कि डॉक्टर से मिलना जरूरी है मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये मैं अपने मन से नहीं पूछ रहा हूँ ये कोई पूछता नहीं आपसे सब आपसे डरते हैं पता नहीं आई डों <laughs> <laughs> ये पूछता नहीं आपसे और ये है कि जब एक बार मिल लिए उसको फॉलोअप के लिए वापस मिलना क्यों जरूरी है दवाई तो चल रही और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं इन रिटर्न कि स्कूल जाते हैं हम लोग जी ठीक है रोज जाना क्यों जरूरी है बच्चों को एक बार किताबें दे दी जाए और बोल दिया जाए घर कि आप पढ़ा लीजिएगा मदर्स को फादर्स को ट्यूशन टीचर्स को समझा दिया जाए कि आप पढ़ा दीजिए yeah. और फिर स्कूल जाना क्यों जरूरी है मैं बताती हूँ इसलिए जरूरी है फॉर अ डिसिप्लिन एंड आई थिंक जब हम एक कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं डेली बेसिस पे तो उसके रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट से भी लोग पढ़ते हैं पढ़ते ही हैं बट ये।, ये बात आ, मतलब मुझे लगता है डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जो आप वहां जाके उस जगह पे जाकर जब पढ़ते हैं और घर पे पढ़ते हैं उसमें बहुत फर्क होता है डेली रिमाइंडर चाहिए होता है बच्चों को कि आपको पढ़ना है आदत डाली जाती है ना अगर मैं अपने इलाज की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटिलिगो या सफ़ेद दाग इतना इजी इलाज नहीं है कि फीवर हुआ चार दिन में उतर जाएगा दवा खा लो और सबके लिए सेम दवाई है यहाँ नहीं मिलेगी तो वहाँ मिल जाएगी कई बार आयुर्वेदिक वैद्य जो भी होते हैं जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो दवाएं खुद से बना के दे रहे होते हैं दवाओं में बहुत चेंजेस कर रहे होते हैं मैं भी करती हूँ मतलब आप कोई कर एक टेबलेट दे रही हूँ बट उसके साथ जो अनुपान होता है बेसिकली जो उसके oh, I know, साथ साथी के घी के साथ ले लो शहद के साथ ले लो या? जो उसका कैरियर होता है so, वो बदल जाता है ठीक है हो सकता है कि डाइट चार्ट आपके लिए सेम रहे बट कई बार स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं डाइट चार्ट में मतलब डेली बेसिस पे तो नहीं आते हैं बट किसी किसी को पंद्रह दिन में भी आते हैं आपने कहा दो महीने तीन महीने मैं किसी किसी को पंद्रह दिन में भी मिलती हूँ अच्छा जी फिर किसी किसी को महीने में भी मिलती हूँ और किसी किसी को दो महीने में मिलती हूँ डिपेंडिंग कि पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं उनको कितनी जरूरत है और कई बार अगर नहीं आ सकते हैं तो फिर उनको कहती हूँ वीडियो कॉल कर लो अब मैं वीडियो कॉल भी अवेलेबल हूँ करेक्ट तो इसलिए भी जरूरी है कि मैं उनके जो स्थिति है उसको मैनेज कर सकूँ फर्स्ट देख सकूँ दवाओं में चेंजेस कर सकूँ दवाएं आयुर्वेद की अगर आपको नहीं पता है तो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं आपकी डाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिबेटेड हैं मान लीजिए एक महीना पूरे कॉन्स्टिबेटेड रहे वही दवाएं खाए जा रहे हैं आपको मुझे बताना पड़ेगा आई नीड रिव्यू मैं ऐसी ऑप्शन अगर मुझे मिले कि मैं दवाएं दे दूं आपको और मैं क्लिनिक में ना जाऊं आई वुड लव दैट मेरे को छुट्टी पे जाना है मेरे को छुट्टी नहीं मिलती है यू नो एज अ डॉक्टर मिल भी नहीं सकती है एज अ डॉक्टर मुझे नहीं मिलती है लाइक हेक्टिक होता है विजिट्स करने बहुत हेक्टिक होते हैं एक दिन में आप मान लीजिए दो सौ लोगों से मिलना दो सौ पेशेंट्स एंड उनके साथ लोगों के क्वेश्चन को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है बट वो आप ही की पेशेंट की बेनिफिट के लिए ही है दिल्ली से बैठ के दवाएं सप्लाई करना बहुत आसान काम है बट पॉइंट वो नहीं है आपको ट्रीट करने के लिए आपकी मन की स्थिति

आज की डेट में तो कोई और प्रैक्टिशनर भी जल्दी से क्रैक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट से मिल लिया है so, सो मेरे प्रिस्क्रिप्शन में सटल चेंजेस जो हर बार पेशेंट के लिए आ रहे हैं वो मैं ही जान सकती हूँ एज अ प्रैक्टिशनर इसको युक्ति चिकित्सा बोलते हैं सो ओके आंसर मुझे मिल गया बट मेरे से मिलना जरूरी है <laughs> अच्छा आपसे आंसर मिल गया कि आपसे मिलना है क्योंकि आपका फॉलोअप बहुत जरूरी है इसलिए आप उसको पिलर भी मानते हैं एक बात बताओ आप भी तो मेरे से इतनी बार मिलते हो नौ साल से हम इकट्ठे काम करें आपके पास अभी भी क्वेश्चंस नहीं है ना ये करेक्ट बट जब हम सामने आमने बैठते हैं आपकी आ, बात करने का तरीका मेरे जवाब देने का तरीका बदल जाता है आपसे मिलना जरूरी है जी तो एक क्वेश्चन फिर ब्रांडिंग ही कर लेते हैं आपसे लोग किन किन मीडियम से किस किस तरह से मिल सकते हैं ओके okay. मेल कर सकते हैं ईमेल जी ओके okay. फिर विजिटिंग ओपीडी में जाकर मिल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया हर जगह मेरी टीम या मैं विजिट कर रहे होते हैं मैं रोटेशन में रहती हूँ कभी ना कभी आपके शहर जरूर आई हूँ और आती हूँ दिल्ली uh, में मैं मिलती हूँ मुझसे कई बार बड़ी हंसी भी आती है मुझे कई बार आजकल तो लोग समझते हैं मैं दिल्ली भी विजिट ही करती हूँ ऐसा पूछते हैं मामा आप दिल्ली कब आएंगी <laughs> तो मैं दिल्ली तो रहती ही हूँ तो दिल्ली में ऑफ़ uh, कोर्स जब ट्रैवल नहीं करी तो दिल्ली क्लिनिक पे आप आकर मिल सकते हैं उसके बाद वीडियो कॉल के लिए आप बुक कर सकते हैं बहुत दूर से जब लोग रहते हैं क्योंकि हम बहुत इंटीरियर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इंटीरियर जहां पर लोग रह रहे और आपने कहा, वीडियो के से भी मिल सकते है। तो आप इंटरनेशनल पेशेंट को भी तो देख सकते हैं देखते हैं अच्छा आप इंटरनेशनल पेशेंट को भी देखते हैं इंडिया से बाहर जितने भी लोग हैं यूएसए यू के दुबई कितनी ट्वेंटी ऑलमोस्ट ट्वेंटी अच्छा ट्वेंटी कंट्रीज से लोग आपसे जुड़े हुए हैं सालों से और यहाँ भी आई डोंट नो डेटा इज टू बेग मैंने अभी देखा नहीं है बट मेरा अंदाजा ये लाख दो लाख डेढ़ लाख पेशेंट दो लाख में देख चुकी हूँ अच्छा हर नंबर बड़ा <laughs> है बट ओके आई गेट वोट यूर सेंग कि डॉक्टर से मिलना जरूरी है फॉलो अप एसेंशियल है बिकॉज में मेडिकेशन चेंज होती हैं टाइम पे फॉलो अप टाइम पे फॉलो टाइम भी है। अलग है ना सबका सबका टाइम जो बताया जो मैं मैंने बोल दिया तो इसलिए फॉलो जरूरी है ना हो गई थैंक यू डॉक्टर थैंक यू